हाय हाय नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अच्छा कुशल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सिर्फ 2 दिनों के लिए जा रहा हूँ मुंबई, उसके लिए फोन करके बीच रास्ते में मिलने की क्या जरूरत थी? मुंबई जा रहे हो इसलिए? प्लीज एक बार मुंबई में शांता चौल जाके आना। इंटरनेट में दिखा रहा है कि गोरे गांव में है। कुशल एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है। वो प्रताप, राजू का मामा, उसका फोन कल से बंद है और मुझे पूरा यकीन है कि ये इंग्लिश स्कूल, एडमिशन, ये सब बकवास है। राजू इंटेलिजेंट है पर उसे इंग्लिश की इतनी नॉलेज नहीं है। वो बेचारा तो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम तक क्लियर नहीं कर सकता, तो फिर ऐसे कैसे उसका अचानक से किसी मुंबई के स्कूल में एडमिशन हो जाएगा? जरूर उसके मामा ने उसे किसी काम पे लगा दिया होगा, और उसकी माँ भी फ्रिज के लालच में। अगर मैं शांता चौल ढूंढ भी लूंगा तो करूंगा क्या? अरे उसकी माँ ने खुद उसे भेजा है। और फिर तुम ही तो कहती हो ना कि हर दिन कम से कम 100 बच्चों को काम पे लगाया जाता है, हम सबको तो नहीं बचा सकते ना? मुझे उन 100 बच्चों के बारे में नहीं पता, मुझे राजू के बारे में पता है। और हाँ, अगर उन 100 बच्चों के बारे में पता होता तो मैं उनके बारे में भी सोचती। ओके ओके, जस्ट रिलैक्स। राजू सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ये चाइल्ड लेबर की वजह से उसका आज और कल दोनों बर्बाद हो सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो और ऐसा कुछ ना हो। हाँ तो एक बार जाके देख लो ना, एटलीस्ट मुझे तसल्ली हो जाएगी कि वो ठीक है। देखो, पापा पहली बार इतनी बड़ी मीटिंग में मुझे ले जा रहे हैं, बहुत मेजर क्लाइंट है, और तुम चाहती हो कि वो सब छोड़ के मैं एक बच्चे को ढूंढता फिरूं? देखो पापा पहले से तुम्हारे समाज सेवा से बहुत चिढ़े हुए, अगर अब इन सब के चक्कर में मैं भी पड़ जाऊं तो और पंगा ना हो जाए। समझा करो यार। ठीक है, जाओ तुम पापा के साथ बिजनेस करो, और उस बच्चे को न जाने कहां, पर तुम्हें इससे क्या? अरे पिछले आधे घंटे से इस अंधेरी गली में भटक रहा हूं, कोई राजू नहीं है यार यहाँ। अब होटल वापस जा सकता हूँ? पर ऐसे कैसे, राजू की माँ ने तो शांता चौली बोला था। एक मिनट होल्ड करो, पापा कॉल कर रहे हैं, अब मुझे वापस जाना पड़ेगा, कल सुबह प्रेजेंटेशन है और मेरी कुछ तैयारी भी नहीं हुई है। अरे एक सेकंड, मेरी बात तो सुन। अरे जिद कर रही हो एक बात के लिए?